और ये है हमारा गांव मंसारी, और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत लगता है। और पहाड़ों में बारिश होने के बाद धूप लगने की अलग ही चमक होती है और काफ़ी खूबसूरत बढ़ा देती है। हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, और मैं रोशन भंडारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक नया वीडियो ब्लॉग में। और दोस्तों, आज सुबह से 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है, ये देख सकते हो, और चारों तरफ देख सकते हो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है 4 बजे से। और पूरा आंगन भी देख सकते हो, चौक को पूरा पानी पानी हुआ है, और कल से शाम को भी बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी। तो अब उस समय से देखो पूरा मौसम किस प्रकार से हो गया, अब सुहाना सा और काफ़ी सुंदर मौसम हुआ है और चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। मानसून के टाइम पे काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है, ये देखिए, और काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारा देखने पे। उस साइड देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों, पार्ट टाइम में एयरटेल के सिम भी चेंज करता हूँ, ये देखो, और एक सिम चेंज करने के लिए जा रहा हूँ नीचे पड़ोस में। तो अभी नीचे होके आता हूँ मैं उनके घर में, क्योंकि वहाँ पर एक सिम चेंज करवाना है, इसका सिम चेंज कराना है। तो पहुँच चुका मैं उनके घर में, और अभी काम निपटाने के बाद मिलता हूँ आपको। अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गौशाले में, और यहां से बकरियों को ले जाने हैं। यहां दरवाजे भी बंद नहीं हो रखे। मैं पहुंच चुका हूं अपने गौशाले में, और यहां से मुझे ग्वाला जाना है बकरियों का। और यहाँ पर ये हैं हमारी बकरियाँ, ये हैं देखो, सभी लाल लाल है। अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये है सभी बकरियाँ, और इसमें सभी लाल हैं, जिन्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं ग्वाला में, और यहां से ये सारे खेत हमारे हैं, आपको दिखाते हैं अभी। और आज दिखाऊंगा मैं आपको अपना पूरा गांव का व्यू किस प्रकार से दिखता है अपने गांव का व्यू पॉइंट से। और ये है हमारा गांव मंसारी, और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत लगता है। और अभी व्यू पॉइंट यहाँ पर है मंसारी का, तो वहाँ से काफ़ी खूबसूरत लगता है, और वहाँ से भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ से वो है जगतपुरी मार्केट जो आपको दिख रहा होगा, और ये है गाँव चमाली, और यहाँ से कुछ इतना ही दिखता है। और कुछ वहाँ पर ऊपर वाला गाँव देख रहे हो आप, हल्का हल्का दिख रहा, वो है कांडई। और देखो पीर सैंड लास्ट है जहाँ बादल लगे हुए हैं, ये हैं वीर चंद सिंह की स्मृति द्वार है वहाँ पर पीर सैंड में। तो दोस्तों, अभी समय हो गया है, 3:44 बज चुके हैं, और यह देख सकते हो मौसम अब काले काले बादल ऊपर के लिए आने लग गए हैं, और मुझे लगता है शाम तक यानी कि 1-2 घंटे में काफ़ी ख़तरनाक बारिश होने वाली है। ये देखो पूरे काले बादल ऊपर के लिए जा रहे हैं, और ये देखो यहाँ से गांव भी कितना धुंधला देखने को मिल रहा है क्योंकि उस साइड अभी सूरज ढल रहा है, और इस साइड से देखो पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहां पर काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है, और ये देखो, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी बादल ऊपर के लिए जा रहे थे, तो कुमाऊँ से देख सकते हो कितनी तगड़ी बारिश होने लग गई है। इस साइड पूरा धुंध मच गई है क्योंकि
धुंधला धुंधला हो गए हैं बारिश के कारण, और ये देखो काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है। ऐसे देखो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। ये है बुंगीधार जो आपको आगे दिख रहे हैं। ये है तो दोस्तों 5 बज चुके हैं और पूरा मौसम अब क्लियर होने लग गया है हल्का हल्का, और अभी बारिश अब जाके बंद हुई है आधा घंटे के बाद। और उधर देखो कुमाऊँ की साइड कितना सुंदर मौसम खुल गया है और पूरा आसमान नीला हो गया है। तो अभी मैं कुछ एक आध घंटे में घर जाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधे अपने घर में। और अभी यहाँ से सुंदर नज़ारों के साथ एंजॉय करते रहिए। और पहाड़ों में बारिश होने के बाद धूप लगने की अलग ही चमक होती है और काफ़ी खूबसूरत बढ़ा देती हैं आजकल मानसून के टाइम पे, क्योंकि मानसून के टाइम पे हरियाली हो ही रहती है और बारिश पड़ने के बाद उसमें पानी रहता है, तो धूप से काफ़ी अच्छा चमकता है और काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए काफ़ी सुंदर चमक बनी हुई है और धूप लग चुकी है बारिश होने के बाद, और यहाँ से देखो काफ़ी सुंदर चमक बन चुकी है खेतों में। और यहाँ से क्योंकि बारिश होने के बाद अलग ही खूबसूरती दिखती है जब धूप लग जाती है। तो दोस्तों मैं फाइनली घर में पहुंच चुका हूं, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कि एक नया वीडियो ब्लॉग में ऐसी खूबसूरत वादियों के साथ, और बाय बाय दोस्तों, एंजॉय लाइफ।